Okay, guys, let's start. So first of all, how the examination will conduct in your APS Olcan? इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी. पहला है गेट सीट. क्या सबके पास गेट सीट है? ओके, वेरी गुड. सो योर एग्जामिनेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम 24th of September. ठीक है, इसके पहले आपका जीके का पेपर है, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जीके का पेपर अलग तरीके से होगा. बाकी पेपर आपके 24th September से शुरू होंगे, जो कि कहाँ खत्म होंगे, लगभग 3 अक्टूबर को आपके पेपर खत्म होंगे. ओके, पेपर वेरी गुड बेटा. आज पेपर इंडिया का पूरे 5 अक्टूबर को लगा था पेपर इंडिया. तो ये तो बात होगी आपकी डेट सीट की. नाउ द सेकंड पॉइंट, एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड इन विच मैनर, हाउ हाउ इट विल बी कंडक्टेड. ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, आपसे बात करते हैं. सबसे पहले आप एक बात ये जानिए कि आपका पेपर कंडक्ट होने के लिए आप सबके पास पीडीएफ बनाने की नॉलेज होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए, इस बारे में मैं आपको बात बताता हूँ. देखो, होगा क्या कि आपका पेपर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, हाँ बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में. किस फॉर्मेट में बेटा? पीडीएफ फॉर्मेट में. ठीक है, मेरा बी ऑनलाइन, आई विल बी राइट बैक. ओके बेटा, सो आई एम हियर अगेन. सो आर वेरी मच, हम आपको बता दें पेपर कैसे कंडक्ट होगा ना. ओके, तो देखो क्या होगा बेटा, होगा ये आपके पास व्हाट्सएप पे आपका पेपर क्या होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा. जो आपका पेपर होगा बेटा, ये पेपर आपके पास आ जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में. ठीक है, ये पेपर आने के बाद आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे. कहाँ पे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे अपने नोटबुक में. कहाँ करोगे बेटा, अपनी नोटबुक पे आप इसको सॉल्व करोगे. नोटबुक मतलब किसी भी कॉपी पर उसको सॉल्व करोगे. सॉल्व करने के बाद क्या करोगे, सॉल्व करने के बाद इसका क्या करोगे, इसका आप वापस से पीडीएफ बनाओगे. ठीक है, आप इसका वापस से पीडीएफ बनाओगे. ओके, ना परफेक्ट. तो आपको समझ में आई नहीं बातें क्या करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. क्या होगा, आपके पास पेपर आएगा, पेपर कहाँ आएगा आपके, पेपर आएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे. ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे. ठीक, फिर क्या होगा सेकंड स्टेप में क्या होगा, यू विल सॉल्व पेपर ऑन योर कॉपी. आप अपनी कॉपी के इस पेपर को सॉल्व करेंगे. ठीक है, आप इस पेपर को अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे. आफ्टर दैट थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो कॉपी में आपने लिखा है उसको क्या करोगे, जो कॉपी में आपने चीजें लिखी उसको स्कैन करोगे. इसके थ्रू स्कैन करोगे एडोब स्कैनर के थ्रू. एडोब स्कैनर के थ्रू क्या करोगे, आप इसको स्कैन करोगे. स्कैन करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा मेरा, स्कैन करने के बाद आप वापस से स्कैन की गई कॉपी को एंड स्कैन किए गए पीडीएफ को, आप स्कैन करोगे तो पहले क्या बनेगा, स्कैन करके पीडीएफ जनरेट होगा ना बेटा, पीडीएफ फाइल जनरेट होती है आपकी. इस पीडीएफ फाइल क्या करोगे, वापस से कहां भेजोगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे. इतना क्लियर है कि नहीं, ये चार स्टेप है बेटा. यस सर, यस सर, यस सर. इतना क्लियर है? ओके, यस सर. हां बेटा, सर, यू आर लॉस्ट.
बेटा आप यूज करें तो कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, अडोब इज कहने से बेस्ट फॉर माय नॉलेज। बेटा कौन है जैसे बेटा ओके हाँ अब एक ही करके बोलो जिसको भी बोला हैंड रेस करो बेटा। अभिनव जसवाल कोई डाउट आपको? यस सर। हाँ बोलो सर। हम एडोब स्कैनर की जगह कोई और आप यूज नहीं कर सकते? नहीं बेटा मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, देखो आप एक ऐप यूज करना सीखो उसको अच्छे से यूज करना सीखो, मतलब यू शुड नो हाउ टू यूज प्रॉपरली। तो क्या अगर आप प्रॉपरली यूज करना सीखो इसको आपको अच्छे से यूज करना आ जाए, इसीलिए मैं आपको एडोब स्कैनर नहीं बोल रहा हूँ। एडोब स्कैनर क्या है, बहुत ही अच्छा ऐप है, आपने वीडियो में अगर देखा होगा तो एडोब स्कैनर को आप उसको रिव्यू भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ऐप है। और आप ठीक ऐप को जैसे ज्यादा दिन तक चलाते हैं ना, जब ज्यादा यूज करते हैं ऐप के बारे में आपको अच्छी नॉलेज आती है, ठीक है, तो आपको क्या हो जाती है अच्छी नॉलेज भी आती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग एक ही ऐप यूज करें से फायदा हो, ठीक है, और आपको क्या हो परेशान नहीं होना पड़े, सिंपल है। एग्जामिनेशन टाइम पे आप अलग ऐप यूज कर रहे हैं, कोई और अलग यूज ऐप कर रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। आप लोग अगर फैमिल ही यूज करो सबसे बेस्ट ऐप हो मेरे लिए, ठीक है। ओके सर। ओके ईशा, ईशा सिंह यू कैन आस्क मी योर डाउट। ईशा सिंह आपकी नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है, आपका माइक्रोफोन सही नहीं है इसलिए आपकी आवाज अच्छी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जहां तक मुझे समझ आया आपने पूछा कि किस तरह की नोटबुक में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, तो आप लाइनिंग वाली भी यूज कर सकती है, मेन भी यूज कर सकती है, इट्स ऑल अप टू यू। आप एग्जामिनेशन में आया जहाँ तक मुझे लगता है आपको लाइनिंग की कॉपी मिलती होगी इस तरह वाली, तो आप उसके ऊपर भी अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला बेटा कौन है? रिधि मिश्रा। रिधि मिश्रा आस्क मी योर डाउट। रिधि, रिधि आर यू देयर? रिधि आर यू देयर? यस सर। यस बेटा आस्क मी योर डाउट। सर सर टाइमिंग क्या होगा? या टाइमिंग अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, वी डोंट हैव एनी कंफर्मेशन अबाउट टाइमिंग, बट 8 AM ऑनवर्ड्स मेबी, ओके मेबी है, मेबी कंफर्म नहीं है, ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग भी आपको कंफर्म करेंगे, अभी टाइम कंफर्म नहीं किया गया, बट अभी टेंटेटिव जो टाइमिंग चल रही है हो सकता है वो 8 AM हो सकता है। ओके नेक्स्ट इज जसपाल वर्धन पाल। यशपाल यस सर जी, रिधि रिधि कंटिन्यू प्लीज। या बिल्कुल बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे ही होगा, मैंने अभी आपको पहले बताया ना कि व्हाट्सएप पे आपका पेपर आएगा, कॉल करके भी आप व्हाट्सएप पे ही भेजोगे। सर हम जैसे सेवन एक कंबाइंड ग्रुप पे तो सर हमें कितने अपना पीडीएफ बेटा आप कंबाइंड ग्रुप में भेज सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, कंबाइंड ग्रुप में भेजो कोई इशू नहीं, ठीक है, आपका माइंड बोले क्लियर है तो कोई इशू नहीं होगा। अरे एक मिनट रिधि क्या कर रही थी बेटा? कुछ नहीं। ओके नाउ यशवर्धन पाल आस्क मी योर डाउट। यशवर्धन पाल आर यू देयर? यस सर। फ्रॉम व्हिच ऐप पीपल डू दैट? सॉरी बेटा सर, व्हिच ऐप Which app people do that? Which app people use to do that? Yes, sir. I am unable to understand the paper. I am unable to understand the question. What you are saying? Can you please repeat it clearly? Sir, which app people use to do the paper? You don't have to use any other app. You have to use two apps. One is WhatsApp and second is your what? Second is your Adobe Scanner. To make your paper PDF. Make your PDF. सब बता रखा है 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से आपके 10 MCQ होंगे 10 मार्क्स के,
फाइव फिलिंग द ब्लैंक होंगी, फाइव ट्रू फॉल्स होंगी, फाइव फाइव मार्क्स कितने हो गए, 20 मार्क्स हो गए बेटा। बच्चे कितने आपके, 20 मार्क्स, बाकी ये 20 मार्क्स हैं, इसमें से 12 मार्क्स के, 12 मार्क्स के 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। लेट मी क्लियर द बोर्ड नाउ हियर। 12 क्या होंगे, 12 मार्क्स के, 12 मार्क्स के आपके क्या होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप, ओके। एंड 8 मार्क्स के आप क्या होंगे, 8 मार्क्स के होंगे अभी 2 क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप, ओके। सी कितने हो गए बेटा, 12 एंड 8 20 मार्क्स, ये हो गए आपके। टेन मार्क्स का आपका क्या हो गया, 10 मार्क्स का आपका हो गया एमसीक्यू, 30 मार्क्स ओवरऑल हो गए आपके, एंड 5 मार्क्स का फिल द ब्लैंक्स एंड 5 मार्क्स से ट्रू फॉल्स। इस तरीके से आपके टोटल पेपर कितने मार्क्स का, टोटल पेपर आपका 40 मार्क्स का। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, यस वर्धन पाल, इफ यू हैव एनी अदर डाउट I will take the name. I will take the name. Mute yourself. I will take the name. Don't worry. Yes, Vartan Pal. Do you have any other doubt? No. Okay. No. Arhan Yadav. No, sir. Okay, very good. Arhan Yadav. Sir, for how much time is the exam? Okay, very good question, beta. You will get two hours, 90 minutes. You will get in 90 minutes to do your paper and 20 minutes for your submission. Means that you will get 110 minutes. यू विल गेट 110 मिनट्स, 110 मिनट या फिर ये मान लो 2 आवर्स आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट। इस 2 आवर्स में आपको क्या करना है बेटा, म्यूट योरसेल्फ, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। 2 आवर्स का पेपर होगा तो आपको 90 मिनट क्या करना है, 90 मिनट आपको पेपर सॉल्व करना है, एंड 20 मिनट आपको क्या करना है, 20 मिनट में आपको पेपर सबमिट करना है। क्या करना है बेटा, सबमिट करना है, मतलब क्या पीडीएफ बना के ग्रुप में भेजना है। क्लियर? ड्यूरेशन इज क्लियर? अरहान यादव, यस सर। ओके, वेरी गुड। एनी अदर डाउट अरहान यादव? ओके, नाउ संध्या, संध्या आस्क मी योर क्वेश्चन। हाँ बेटा, ये मैं आपको क्वेश्चन बता दूं जो आपने पूछा, जो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर कितने हैं, शॉर्ट आंसर रहेगा शॉर्ट आएगा अबाउट 15, मतलब क्या, मतलब 35 से ज्यादा, 35 ज्यादा लेकिन 50 से कम या उसके बराबर, मतलब क्या 35 मोर देन 35 वर्ड्स एंड लेस देन 50। एंड जो आपके लॉन्ग आंसर रहेंगे, लॉन्ग रहेंगे आपके 100 वर्ड्स के, मींस दैट मिनिमम यू कैन से 75 और 80, मिनिमम इज 80 प्लस यू कैन से 80 प्लस, ओके। So this is the 35 plus and this is the 80 plus, you can see. Just a second. Okay, so I think Sandhya, your doubt is clear now. Yes, sir. Okay, Saransh Pal, Saransh Pandey. Yes, sir. Sir, हमें roll number please place करना होगा। मेरा roll number आपको लिखना है, तो क्या roll number क्या लिखेंगे? सर, हमें roll number में से अपना PDF भेजना होगा। नहीं नहीं, फोटो के साथ भेजना, कोई दिक्कत नहीं, roll number तो short हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं। आप देखो तुम्हारी कॉपी में सॉल्व कैसे करोगे, मान लो कि तुम्हारी एक कॉपी है, ठीक है, मान लो ये पेज क्या है, ये पेज नहीं माय कॉपी है, तुम जाओ subject।
पेज नंबर एंड टोटल पेज, इतनी इंफॉर्मेशन आपको हर कॉपी के पेज को देखनी है। ठीक है, ये क्या होगा आपका पेज नंबर 1, ये होगा आपका पेज नंबर 2, मान ली होगा पेज नंबर 3 और ये होगा पेज नंबर 4। तो आपको हर पेज पे सर्टेन इंफॉर्मेशन या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है आपका नेम, क्लास, क्लास में क्या 7ABC सेक्शन के साथ लिखोगे कि 7 नहीं 7A 7A 7B 7B 7C 7C रोल नंबर लिखना है, सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, हाँ मैथ दे रहे हो, कंप्यूटर दे रहे हो, क्या दे रहे हो, ठीक है। और रोल नंबर क्लास सब्जेक्ट पेज नंबर, यहाँ पे क्या है पेज नंबर हमारा कितना है, यहाँ पे पेज नंबर हमारा 3। ओके, एंड टोटल पेज कितने हमारे पास, टोटल पेज हमारे पास 4। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है हमारे पास टोटल पेज, टोटल पेज को लिखो। क्या कर रहे हो बेटा, किसने मुझे किया काम हो गई? Do you have any doubt? If you wanted to ask me any question, just raise your hand. I will come to learn. Okay. So here what I am saying, you have to fill these details every single page of your copy. Every single page of your copy, you have to fill this certain information. If everyone is clear now, say yes to the name and go. Yes. Very good, Peter. Okay, now I can ask me a doubt. If you have any doubt, you can ask me now. If anyone has doubt, anyone. Excuse me, sir. Yes, Peter. Take your name. What is your name, Peter? Riya Praveen. Riya. Okay. Yes, Riya. Tell me, what's your problem? You will not get any kind of options. You have to attempt all the paper. You will not get this option that you can do attempt this question or this. You will not get this option. In question paper, you have to attempt all the question. All the question you have to attempt, and all the question will come for free also. And if there is question number 1 and question number 2, then you will not get the option here. This option will not be there. You have to attempt every single question that I have given to your paper. Okay? Excuse me, sir. Yes, sir. Yes. Okay, Riya. Your doubt is clear now, ma'am? Okay. Yes, sir. Very good, beta. If anyone is, jisko bhi koi doubt, beta, aap pooch sakte ho. And the last one day. Just a second, Sarans Pandey. Sunday I will come to you. Sarans Pandey, just tell me, what's your doubt? Sir, मैं केवल answer answer लिख रहा हूँ। बिल्कुल बेटा, आपको question number डालना है, answer लिख देना है। करना ही क्या है? आपको question number डालना है, answer लिख देना। मान लो आपने लिखा क्या? Question number 1। Just a second, let me clear the board। आपने क्या लिखा? आपने लिखा मान लीजिए बीच में से question answer 1। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट का मान लो ऑप्शन है आपका थर्ड, सही लिखा लिखा था। थर्ड में जो भी ऑप्शन लिखा था वो लिख दिया। हाँ, एमसीक्यू में यहाँ पे जो भी ऑप्शन रहेगा यही इक्वल थर्ड लिख दो, नहीं थर्ड के आगे जो चीज आपकी फिल करनी है एमसीक्यू में थर्ड का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं केवल थर्ड लिख दिया हो गया, नहीं नहीं थर्ड के आगे जो ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ। एमसीक्यू में क्या होगा, मतलब एमसीक्यू आपका पहला है, पहले में मैंने आपसे पूछा माइक्रोसॉफ्ट इज आ, मैंने लिखा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसका आंसर क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थोड़ा ऑप्शन क्या हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस तरीके से आपको एमसीक्यू देखना है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स में केवल आप सिंगल वर्ड ही लिखोगे। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करोगे आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिल इन द ब्लैंक क्या लिखोगे, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 2। 2 का पहला क्या है, पहला जो भी वर्ड आपको लिखना है यहाँ पे फिल कर दो, सेकंड जो भी वर्ड आपको लिखना है यहाँ पे लिख दो, थर्ड जो भी वर्ड आपको लिखना है यहाँ पे लिख दो, फोर्थ जो भी वर्ड आपको लिखना है यहाँ पे लिख दो। इस तरीके से आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स को टैकल करेंगे। आफ्टर डेट आपको क्या फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपका आएगा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स कैसे करेंगे, क्वेश्चन आंसर नंबर क्या लिखोगे बीच में, बीच में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है बेटा, कॉपी के बीचों बीच देख रहा हूँ पेज में, फिर क्या लिखोगे आप, पहला क्वेश्चन,
ठीक है, लेफ्ट मार्जिन हो जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, कुछ इस तरीके से लिखो, देखो पहला क्या आएगा आपका, पहला क्या आएगा आपका, पहला आ गया मान लो ट्रू, दूसरा क्या आ गया फॉल्स, और फिर टीएफटीएफ या ट्रू फॉल्स पूरा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रू फॉल्स फिल करने हैं। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। एंड आगे क्या होगा, क्वेश्चन आंसर नंबर नंबर फोर, फिर क्या आएगा आंसर वन, आप यहाँ पे आंसर वन लिखोगे जितना भी आपको लिखना है, फिर आंसर टू, फिर आंसर थ्री, फिर आंसर फोर, बेटा ऐसा है ना जितना आ रहा है ना यहाँ से अकाउंट लीक कर देंगे तुम्हारा, जशन सिंह क्लास निकल पाओगे एक मिनट में, चलो ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई कैसे आपको ऐसे स्ट्रगल करने हैं? उत्कर्षी पाल, हाँ बाल कृष्णा बोलो सर, मतलब एमसीक्यू और फिल्टर ब्लैंक सब क्वेश्चन लिखने होते हैं, कहाँ लिखने हैं क्वेश्चन नहीं लिखने, केवल आपको एमसीक्यू जब आप देख रहे हो तो एमसीक्यू में आपके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं ना, तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन भी आपको लेना है। जैसे मान लीजिए आपने देखा ऑप्शन नंबर टू, तो ऑप्शन नंबर टू में जो वहां पर दिया गया है, जो वर्ड दिया गया है, वो वर्ड भी आपको लिखना पड़ेगा, समझे समझे कि नहीं सर? अभी नहीं, ठीक कोई बात नहीं। एमसीक्यू में क्या होता है, मान लो मैंने आपसे कहा जसन सिंह इज द स्टूडेंट ऑफ, ये मैंने क्या कहा जसन सिंह इज द स्टूडेंट ऑफ, मैंने क्या ऑप्शन दिए, तीन ऑप्शन दिए, क्लास सिक्स ऑप्शन फाइव, क्लास सिक्स ऑप्शन टू, क्लास सेवन ऑप्शन थ्री, क्लास एट, ठीक है ये मैंने ऑप्शन दिए। इसमें क्या क्या आंसर क्या है, क्या आंसर सेकेंड, जब आप कॉपी पे लिखोगे तो क्या लिखोगे क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन क्या है, आप ऑप्शन सेकेंड चाहिए, सेकेंड नहीं लिखो, सेकेंड लगेगी क्या लिखोगे, क्लास सेवन, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, समझ में आई बात? यस यस सर, वेरी गुड, ओके बालकृष्ण योर डाउट इज क्लियर नाउ? यस सर। ओके उत्कर्षी पाल, आर यू देयर उत्कर्षी पाल? जीके का पेपर कैसे होगा बेटा? आपके जीके का पेपर गूगल फॉर्म्स पे होगा, एंड उसके लिए मैं आपको एक लिंक देंगी, उसमें आपको ऐसे क्लिक करने होंगे, जैसे गूगल फॉर्म से आपका यूनिट वन हुआ था वैसे ही आपका जीके का पेपर होगा। क्लियर बेटा? एनी अदर डाउट? ओके सर। ओके देन नेक्स्ट इज अरहान यादव, अरहान यादव सर। यस बेटा, सर जीके के पेपर में सिर्फ एमसीक्यू होंगे? हाँ बेटा, वो एमसीक्यू रहेंगे आपके। ओके सर। ओके संध्या, ask me your doubt. सर कंप्यूटर का भी पेपर वैसे ही होगा जिनके पेपर की तरह? कंप्यूटर का पेपर नहीं मिला, कंप्यूटर का पेपर व्हाट्सएप पे होगा, जैसे मैंने भी आपको पढ़ाया था वैसे होगा, जीके की तरह नहीं। दिव्य कुमार, सॉरी दिव्य दीपक पाटिल, ask me your doubt दिव्या। क्या बेटा? मैडम आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांटेड टू से, यू कैन टैग योर मैसेज, अभिनव जायसवाल यू कैन आस्क योर डाउट। सर पेंस क्या यूज करनी है बता दीजिए। पेन, पेन बेटा यस सर, ब्लैक एंड ब्लू और क्या यूज करोगे बेटा, ब्लैक एंड ब्लू में भी यूज करते हो वैसे यूज करनी है आपको? नो सर, जो आपके अभी का नोटिस आया था उसमें लिखा था ब्लू बॉल पेन लिखा था। ठीक है तुम ब्लू सर, ब्लू और ब्लैक, अगर ब्लू लिखा गया तो ब्लू यूज करो, अगर लिखा गया तो ब्लू यूज करो, मैं क्या डिस्कस करूंगा, नॉलेज नहीं देता ब्लू बाल करना, ब्लू यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, हाँ बस मैं जहां बैठा ब्लू यूज कर सकते हो, इसलिए
क्योंकि हमें कॉपी करेक्शन के लिए दिक्कत है, ब्लू ही यूज करना सब लोग, ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ संध्या बेटा, आपने फ्रेंड से हैंड रेस किया है क्या? कोई डाउट संध्या आपको? नो सर, वो ओके, नो इशू नो इशू, गुड। यस तो आया, यस अदन बन, सो ऑल राइट। सो किसी को कोई डाउट? चीज समझ में आ रही ना? नो सर।